अगर सफर भाई किसी दिन ये मैं चोरी करके ले जाऊं तो कुछ भी नहीं होगा, ये तो खाली उसका वो है डिग्री यहाँ रखी हुई है। अच्छा जो इसमें रखते नहीं है? नहीं ना, वो तो यहाँ रखी हुई इसके अंदर। तो ये अगर जैसे नशे वाले होते हैं बेच रहे हैं चक्कर में, इसमें चीजें बहुत रख सकती हूँ खोल के। इसमें डिग्री आती है आपका फोल्ड करके। इस वक्त हमारे पास फखरे पाकिस्तान जेबापा मौजूद है, और मैं आपको बताऊं मैंने भी देखा जेबापा रक्षित उतर के आ रही थी। मैंने जेबापा से पूछा ऊपर कि जेबापा 50-50 से लेकर आज तक इतना बड़ा टाइम आपने गुजारा, गाड़ी क्यों नहीं ली? फिर उसके बाद जेबापा ने क्या बोला वो आपको सुनना बहुत जरूरी है। क्या हुआ आपका, गाड़ी कैसे खरीदी? गाड़ी मैंने खरीदी थी 97 में। हाँ। जब बहुत सारी कैश पे बिल्कुल। हाँ। और मैंने 3.5 लाख की गाड़ी खरीदी थी खैबर, बिल्कुल नई, 200 किलोमीटर चली हुई। हाँ। ये सईद मोटर हुआ करता था तारीख रोड पे, जावेद शेख साहब वहाँ काम करते थे, वहाँ से मैंने गाड़ी खरीदी। जावेद शेख, हाँ जावेद शेख काम करते थे, तो मैंने वहाँ से गाड़ी, बड़े पैसे जमा किए। मुझे बड़ा शौक था गाड़ी लेनी है, नई गाड़ी बिल्कुल ना। तो मैं, अगर मेरा कोल्ड ड्रिंक भी पीने का दिल चाहता था मैं नहीं पीती थी, पैसे जमा करती थी कहीं भी। अपने तौर से बड़ी कंजूस हो गई थी, 200 रुपये भी, 500 रुपये भी, 3.5 लाख रुपये जमा किए, गाड़ी नहीं लेनी। और बड़े शौक से गाड़ी ली, और लंदन से उसमें लाके स्पीकर लगाए, उसका बड़ा वो बनाया, सब कवर वर चढ़ाए, बिल्कुल तैयार नई गाड़ी। और रात को हम जियो का एक प्रोग्राम था, उससे होके निकले, रेशम मेरी गाड़ी में बैठी तो मुझसे कहने लगी यार ये गाड़ी आप मुझे दे दो। मैंने कहा दिमाग खराब हो गया, ये तो मैंने ख्वाबों की तरह सोच के गाड़ी दी है। हम सबको ड्रॉप करके, मलीर हमारा उस वक्त घर था, तो हम वहां आए हैं। तो जैसे ही हम अपने एरिया में गाड़ी टर्न करके लाए, तो एक लाइटें वाइटें जली और गाड़ी जो है आके हमारे घर पे खड़ी हुई। सुबह जो है हमारी गाड़ी जो है वो एयरपोर्ट जा रही थी छोड़ने के लिए किसी को, बस वहां निकली है गाड़ी। तो कुछ बंदे आए, उन्होंने कार्ड दिखाया, कहने लगे यार ये एड्रेस कहाँ है? मेरा भाई उसको एड्रेस बता रहा है, उनका गले की चेन उतार दो, उसकी यहाँ से गले की चेन छीनी, ये कट गया सारा, और बोला उतर जाओ। पीछे से एक लड़का आया, उसने कमर में टीटी, और इत्तेफाक की बात है उसी दिन सुबह मैंने जानजेब से कहा था कि जानजेब 50-50 गाड़ियां जो है वो रोज चोरी हो रही है, तुम्हें कोई आके अगर कुछ बोले तो भाई दे देना, लड़ना नहीं। बस वो यही हुआ उसके साथ, उसने वो उतर के खड़ा हो गया, और उसके जहन में मेरी यही बात आई कि आपा ने ये कहा था, वो खड़ा हो गया, गाड़ी चली गई। और गाड़ी जाने के बाद जो हमारे साथ मुश्किल आई वो तो मैं जफर भाई बता ही नहीं सकती। यानी गाड़ी गई, गाड़ी गई, फिर उसके बाद नहीं खरीदी? नहीं, उसके बाद खरीदी थी। मेरे साथ ये होता है, मैं गाड़ी को सोना समझती हूँ क्योंकि मैं लेती हूँ नई गाड़ी। अच्छा। अब खुदा ना करे कोई मसला हो, जैसे अभी हम अमेरिका जा रहे थे कोविड से पहले, तो मेरे पास गाड़ी थी, उमर शरीफ मुझे अच्छी खासी रकम दे के अमरीका ले जा रहा था कि मैंने शो करना है वहां पे, और मैं इस खुशी में थी कि चलो वापस आऊंगी फिर नई गाड़ी ले लूंगी। तो मैंने अपनी पुरानी गाड़ी भेज दी कि चलो अमरीका जाएंगे, पैसे लाएंगे, शो होंगे। जब वहां गए तो वहां पता चला एक भी शो नहीं हुआ। क्यों नहीं? अब कोई शो नहीं हुआ ना वहां, तो शो ही नहीं हुआ। अच्छा, हाँ, अमरीका जो गए थे, हाँ शो नहीं हुआ। 3.5 महीने बैठ के वो जो गाड़ी के पैसे डॉलर बना के ले गई थी वो भी मैंने खा लिए, खर्च हो गए। वहां से आई तो कोविड आ गया 18 तारीख से, तो फिर गाड़ी कहाँ से लेती भैया ये बताओ तो। कोविड में तो अच्छे अच्छे बर्बाद हो गए, हम तो बार बार बर्बाद होने, हम यूज टू बर्बाद थे ना, हमें ज्यादा असर नहीं हुआ। आप अगर मैं आपको बताना चलूं, कोविड में आपने जिस तरह से काम किया है, यहाँ से राशन लेकर रोज आना तकरीबन कोई 200-400-500 3-3 गाड़ियां लेकर, मतलब 200-400 बोरे लेकर, और मलीर जाना और डोर टू डोर लोगों के घरों पे राशन देना, और मलीर, खोखराबार, मेमनगोड, इधर आपा की ग्रिप बहुत अच्छी थी, और वहां की इन्होंने अपनी पूरी टीम तैयार की। इलेक्शन में खड़ी हो सकती हो? हाँ, वाकई मैं सही बोल रहा हूँ, आपको खड़ा होना चाहिए। नहीं ना आपको ना मुझे, हम लोग सियासत से दूर रहे। अच्छा नहीं आपा, लेकिन आपका तो इतना अच्छा हुआ है, नहीं कोई फायदा नहीं। लेकिन हैरत की बात है, इतनी बड़ी अदाकारा है और इतनी बड़ी शख्सियत है, और रोजाना की बुनियाद पे तमाम चीजें करना, वहां जाना, और बल्कि आपको तो मैं एक और बात बताऊं आपा, मलीर के लोगों के लिए हमने एक और फैसिलिटी स्टार्ट कर दी है। एक साल हो गया है मलीर, नहीं एक साल 6 महीने हो गए मलीर वाला, और मलीर से लेकर काला बोर्ड से लेकर और मेमन गोड तक जितने भी गुर्दे के मरीज हैं उनके लिए हमने बर्फ खाने के पास फ्री डायलिसिस सेंटर खोल दिया, माशाल्लाह। और हेपेटाइटिस बी और सी के मरीजों के लिए भी अलग अलग मशीनें लगा दी, और वहां से अगर किसी को ब्लड टेस्ट वगैरह के लिए जरूरत पड़े तो नुमाइश मशीन लगा दी ना इतनी बड़ी, तो वो सब आ सकते हैं फ्री। पाकिस्तान की पहली फ्री लैब खोल दी है, माशाल्लाह। अभी शुरू में वहां पर 250 या 350 टेस्ट हो रहे हैं, फिर हल्के हल्के डोनर साथ जुड़ते चले गए, उन्होंने फाइनेंशियली सपोर्ट किया, तो जितने टेस्ट हैं A to Z सब वहां से फ्री में, अभी भी जो टेस्ट हो रहे हैं 250-300 सब फ्री हैं। ये तो बड़ी अच्छी खबर है, खासतौर पे मेमन गोड से लेके मलीर खोखरापार और नहीं, लैब पूरे कराची के लिए, नहीं, नहीं, के लिए। मैं अपने मलीर को बहुत सपोर्ट करती हूँ ना। असल में जफर भाई मैंने मलीर में 11 महीने का जो अरसा गुजारा है, मैं 11 महीने रही हूँ,
और ये बात अमेरिका में नीलोफर अलीम के घर भी यही बात हो रही थी कि मैंने वहां के जिन्नातों तक से दोस्ती कर ली थी, बाकायदा जिन्नात हमें मिलते थे, बाकायदा बरातें मिलती थी और गवाह लोग देखी हैं और जिन्नात हमें मिलते थे। हमने इतना वो मुश्किल वक्त, क्योंकि हम रात को थिएटर करके जब आते थे तो रात को 2:30-3 बजे होते थे, हमें बाकायदा जिन्नात मिले। हकीकत है कि जिन्नात का वजूद है, आप देखें ना कुरान में पहले जिन का जिक्र है फिर उसके बाद इंसान है, तो जिन हमें मिलते थे और यकीनन मेरा प्रोटेक्शन किए, मुझे संभाला है, मुझे बहुत दफा यानी मेरी हिफाजत हुई है रात के 3:30, मुझे एहसास दिलाया कि हाँ ये नहीं ये नहीं ये इस तरफ से चले जाओ इस तरफ। तो वो जो गाड़ी मेरी छीनी ना उस पर भी मैंने, मेरे दिल को एक सबर आया कि नहीं यार अल्लाह की बेहतरी है। फिर उसके बाद मैंने बहुत खुशियां बहुत अच्छी गाड़ियां सब देखी। ये जब अमेरिका गए ये कोविड आया ना उसमें फिर हम तबाह हो गए, क्योंकि पाकिस्तानी यहां 30 लाख की गाड़ी बेच के मैं वहां गई डॉलर बना के, वो सारे डॉलर वहां इसलिए खत्म हुए, शो कोई नहीं हुआ, अपने जेब से खर्चे वर्चे कर रहे थे, बहुत सारी मुश्किल थी डॉलर में। जब वहां से आए तो हमने सोचा चलो घर में जो पैसे है वो खर्च कर लेंगे। जिस बेटी की डेथ हुई ये आखिरी वाला ना ये कोविड से पहले, हाँ वो पाकिस्तान आ गए हमें छोड़ के, शो पहले ही वहां पे नहीं थे अरेंज और यहाँ आए तो फिर वो कह लगे मैं आता आता उनका इंतजार किया तो भी शो नहीं हुए। फिर हमने अपने फुरकान हैदर साहब से कहा हमें वापस भेज दें भाई, अब कुछ भी नहीं हो सकता। फिर हम 29 फरवरी को पाकिस्तान लौटे, इधर आए और यहां 10 से 12 दिन के अंदर कोविड का वो हो गया और सब कुछ बंद हो गया। फिर वो पैसे जो रखे थे घर में फिर गाड़ी खरीदते या रोटी खाते, फिर ये भी था कि लोगों के मसले आपको सही बिजी किया कोविड के कामों में बहुत जबरदस्त, अपने 30 लाख का गम भूल गई थी आप? नहीं बिल्कुल भूल गई, मैंने जब लोगों के आंसू देखे लोगों की तकलीफें देखी तो वो तो भूलना चाहिए ना। सही बात। आप कहते हो कि अवार्ड मिला तो आपको तो बहुत काम मिला होगा, आपने एक सवाल किया आप लाजमी बात, इतना बड़ा अवार्ड लेकर आई, आप सदाबहार अवार्ड लेकर आई, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद तो आपको और ज्यादा ड्रामों में फिल्मों में बल्कि मैं तो समझता हूँ आपको इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स का हिस्सा होना चाहिए और आप इस मुल्क का हिस्सा हैं। जिस तरह आपने काम किया, क्या रहा रिस्पांस अवार्ड के बाद? अवार्ड के बाद कभी खान साहब ने कहा था बेटा ये गवर्नमेंट का जो तुम्हें इतना बड़ा अवार्ड मिल रहा है अब काम नहीं मिलेगा। मैंने उनका मजाक उड़ाया था, मैंने कहा क्या कह रहे हैं कभी भाई इतना बड़ा अवार्ड मिला तो और काम मिले, लेकिन वाकई सही कहा था उन्होंने, काम बंद। आपका कौन सा तमगा था? तमगा इम्तियाज। उसके बाद काम आपको आपकी इंडस्ट्री में दिया ही? सिर्फ तमगा इम्तियाज घर में रखा हुआ। नहीं तो काम क्यों नहीं? इसके बाद साइंस क्या है? मुझे साइंस पता होती तो मैं उस पर कुछ वाइवा करती, कोई प्रैक्टिकल करती। मुझे कुछ नहीं पता, या तो ये कि फिर मुझे ये भी कहा गया कि आप वेलफेयर के कामों में चली गई इसलिए आपको काम नहीं मिलता। तो मैंने कहा यार वेलफेयर का काम तो ऐसा है कि इंसान को जरूर अपनी वापसी देनी चाहिए, इस मुल्क और इस शहर ने आपको इतनी इज्जत दी इतना पहचान दी तो यहाँ के लोगों की खिदमत तो हम पे फर्ज बनता है क्योंकि हमारी पहचान है। तो वो भी पता नहीं क्या हुआ कि, लेकिन मैं ये अपील करूंगा इस वीडियो के तवज्जो जितने प्रोड्यूसर डायरेक्टर है हमारे मुल्क का सरमाया है, अगर उनको ये बात बोलनी पड़ रही है कि अगर कोई अवार्ड मिला उसके बाद तो उनको और बड़े प्रोग्राम अपील नहीं करे, धमकी दे। बायकॉट कहला रही है? नहीं नहीं पता नहीं, बायकॉट तो कहलाता ही नहीं है, क्यों ये समझ में ना आने वाला मामला है कि वो क्यों मुझे ऑफर नहीं करते हैं क्या नहीं है, या तो ये कि कोई मेरी वैसी कोई प्रॉब्लम। यार दावतें खत्म हो गई हमारी, जो हमें इनविटेशन लेटर आते थे ना कि ये अवार्ड हो रहा है ये हो रहा है वो तक खत्म हो गया। अब ये मेरी साइंस नहीं समझ रही क्या? मैं तो भाई ये बोलता हूँ कल मैं गवर्नर साहब से बात करता हूँ कि जो आईटी प्रोग्राम शुरू हो रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रोग्राम, इसके अंदर आपको एडमिनिस्ट्रेटर लेडीज का जो होगा या लड़कियों का जो उसके हवाले से कोई इंचार्ज बना के, ताकि आप अच्छा बोल लेती हैं अच्छा समझती हैं और वहाँ सारी चीजें मैनेज करें, हजार चीजें होती हैं किसको कैसे चलाना है। जफर भाई ये बात मैं भी सोचती हूँ कि जो लोग इतने टैलेंटेड हो जाते हैं 30-30, 40 साल गुजार लेते हैं, मैं अपनी नहीं बात, मैं कहती हूँ जर्नली लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए जो बोल सकते हैं पढ़े लिखे हैं, हम लोग पढ़े लिखे हैं डिग्री होल्डर हैं, हमें काम मिले हमारे इदारे गवर्नमेंट के हम लोग को एजाजी जॉब दें काम करवाएं। जब क्रिकेट वालों को आप एजाजी जॉब देते हैं बैंक देते हैं मुख्तलिफ इदारे, तो हमारे आर्टिस्टों को क्यों नहीं देते? ये तो अब सोना कुंदन बन गए। आपके जो 50-50 के क्लिप्स है ना कॉमेडी के क्लिप पैरोडियां वो अब लोग अंदाज से पेश कर रहे हैं, डिट्टो पूरा पूरा आपका पूरा पूरा क्लिप उठाते हैं वो खुद ही उस पर एक्टिंग करते हैं और लोड करते हैं चला रहे हैं अपने चैनल खड़े कर रहे हैं। अल्लाह ताला का शुक्र है कि हम इस काबिल हैं कि हमारी वजह से किसी और का भी पेट चल रहा है। बात यह है कि अल्लाह ताला किसी को नहीं भूलता, किसी ना किसी शक्ल में आपको अल्लाह लौटाता है। हाँ ये है आपके इंसान जो आसपास रहने वाले हैं उनके दिलों में मैल होता है, उनको ठार होती है, कोई हसद कोई लड़ाई क्यों भाई इसको क्यों बुलाएं, तब बात है कैसे मिल गया अवार्ड, ये सारी चीजें। आप हमारे मुल्क का फख्र है, इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। आपा की गाड़ी छिन गई है, हो सकता है आपका कोई फैन अभी आपको फोन करे आ जाए ट्विटर शुरू के बाहर 2023 का एक मॉडल आपके लिए खड़ा है। आप अल्लाह की तरफ से बेशक 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 इंशाल्लाह आए।
आप हमारे साथ काम करती रहती हैं, फलाई शोभा में बिल्कुल इन्वॉल्व है। मैं अभी यूनिलीवर की जानिब से, यूनिलीवर भी हमें सीएसआर की मद में सपोर्ट करता है जेडीसी को, तो यूनिलीवर की जानिब से जो शैम्पू आए हैं मैं उसमें से आपको देता हूं। तो आप मलीर की जिन बस्तियों को आप जानती हूं जो खवातीन अफोर्ड नहीं कर सकती, मलीर के जो लड़के हैं ना जो काम कर रहे हैं खोखरा पार में, एक बहुत अच्छा वसीम मुगल जो है, बहुत जबरदस्त काम, मैं चाहती हूं कि मैं उसको कर दूंगी ताकि वो तकसीम कर देगा, गरीब औरतों में घरों तक पहुंच जाएंगे। मैं नीचे लेके चलता हूं, स्टूडियो पर आदमी शेयर करना है। साक्षी की शक्ल में अभी देखना, ये मतलब एक आदमी एक तो यूज कर सकता। हाँ, अब आप इसमें गिने कितना आवाज जल्दी से पकड़े। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस, बीस और बीस चालीस और साठ, यानी दो महीने का हो जाएगा किसी भी एक खातून को ये एक दे दिएगा। अब इसके अंदर आप देख ले कितने भरे में, इसके अंदर अंबार है इस तरह का, सही ना? अब मैं यार भाई दानियाल जी आप आपको 10 कार्टन निकाल लो, 10 कार्टन सही है? सही है, सही है। तो 10 कार्टन आपको निकाल लो, बाकी जो है ये हम मुख्तलिफ बस्तियों में डिस्ट्रीब्यूट करते रहते हैं। इसके अलावा इससे पहले ये लाइफ बॉय साबुन और दीगर चीजें भी यूनिलीवर की तरफ से आई, और मैं देखने तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा पूरी दुनिया में जहां भी हैं आप कि भाई आए आगे बढ़े, जेडीसी का जुड़े। आप एक डायलिसिस के मरीज की जिम्मेदारी ले लें, एक दिन की, एक महीने की उसके डायलिसिस की जिम्मेदारी ले लें, 12 डायलिसिस की, एक पूरे सेंटर की जिम्मेदारी ले सकते हैं, कुछ मरीजों के लैब टेस्ट की जिम्मेदारी ले सकते हैं। जेडीसी किसी भी प्रोजेक्ट में जुड़ते चले हैं, इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। आप ऐसा ही है ना, 10 सही है, देखिए मैंने इसको मोबाइल पर बनाया है, 20 कार्टन लग रहे हैं, 20 कार्टन बल्कि आप लेके जाएं, 100 कार्टन। थैंक यू, इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा।